हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो चैनल का टैगलाइन है फ्रेंड कि आए हो तो कुछ सीख कर जाना। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। और आप एज्यूम कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। जितने भी क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ये इसरो VSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि एग्ज़ाम 7 अप्रैल 2012 को हुआ था। और सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स खोल करके तैयार हो जाइए। और आज क्वेश्चन नंबर 46 to 60 करवाने वाले हैं। आज के वीडियो के सीरीज में हम लोग पूरा लास्ट क्वेश्चन तक कर लेंगे। और सारे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे। और कल के वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन क्लियर करेंगे, जो कि आपका सारा का सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि लोकोमोटिव बॉयलर इज ए .. ट्यूब बॉयलर। तो इसका राइट आंसर फायर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंजेक्शन प्रेशर इन केस ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट कितना होता है? तो 100 bar होता है फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द विड्थ ऑफ द पुली शुड बी .. देन विड्थ ऑफ द बेल्ट। इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। जो हमारा पुली होता है उसका जो विड्थ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो हमारा बेल्ट होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक लोग राइट आंसर लिखने की कोशिश किए हैं। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सभी लोग राइट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। इन कॉनल कंटेंस 65% निकेल, 15% क्रोमियम, 20% आयरन। दूसरा ऑप्शन है 68% निकेल, 29% कॉपर, 3% अदर कंस्टिट्यूएंट। सी ऑप्शन है 80% निकेल एंड 20% क्रोमियम। डी ऑप्शन है 80% निकेल, 14% क्रोमियम एंड 6% हमारा आयरन। देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, देख करके बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। ए टैपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉवल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस या फिर डिस्टॉर्शन अलाउंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अच्छे से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पर्पज़ ऑफ ए गेट इन कास्टिंग इज टू डिलीवर मोल्टन मेटल इन टू मोल्ट कैविटी, एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल, वेंट आउट ट्रैप्ड गैसेस या फिर प्रोवाइड सेप टू द मोल्ट कैविटी। बिल्कुल राइट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, आई होप आपने आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोड यूज इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर ब्रास। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आंसर कीजिए और बाद में आप सबमिट कीजिएगा पूरा आंसर लिखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव स्ट्रेट पोलैरिटी व्हेन वर्क इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्डर टू द नेगेटिव टर्मिनल। सेकेंड ऑप्शन है वर्क इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रोड होल्डर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। थर्ड ऑप्शन है वर्क इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्डर इज अर्थेड। फोर्थ ऑप्शन है वर्क इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्डर इज अर्थेड। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग या फिर MIG वेल्डिंग। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मिट यूज इन थर्मिट वेल्डिंग इज ए मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड आयरन ऑक्साइड, चारकोल एंड एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, चारकोल, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर ऑल ऑफ दिस। आई होप बिल्कुल आपने राइट आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CLA वैल्यू इज यूज टू इंडिकेट सरफेस डायमेंशंस, सरफेस हार्डनेस, सरफेस रफनेस या फिर सरफेस एरिया। आई होप बिल्कुल आपने राइट आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, हार्ड मटेरियल या फिर सॉफ्ट मटेरियल। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश की होगी। बिल्कुल फ्रेंड, मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाया जाएगा और अच्छे से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि लगे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। आप अगले वीडियो में एनालाइज ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल इज नोन एज काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ट्रिपेनिंग या फिर स्पॉट फेसिंग। आई होप आपने आंसर लिखने की कोशिश जरूर से जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूजुअल वैल्यू ऑफ ए पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल इज 70 degree, 100 degree, 118 degree, 130 degree। आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर लिखने की कोशिश किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिक्सचर आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रियमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशंस। फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द वर्क इन मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लानिंग और टर्निंग ऑपरेशंस, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर लिखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कैरीज अवे मैक्सिमम हीट एनर्जी इन मशीनिंग प्रोसेस, कूलेंट, टूल, चिप या फिर वर्कपीस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल राइट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग सैंपल इंडिकेट द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस। ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी, डी। आप देखिए इमेज को और जो भी आपको सही आंसर लगता है ज़रूर से ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्सिया या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज mm, mm पर सेकेंड, kg पर सेकेंड या फिर नो यूनिट। आई होप बिल्कुल आपने राइट आंसर लिखने की कोशिश की होगी। विच ऑफ द बीम डेवलप थर्मल स्ट्रेस ऑन हीटिंग, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड या फिर नन ऑफ दिस। ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।